डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट में जनरल स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशंस, यूटा रोटेशंस एंड अदर एसोसिएटेड स्टेरिक केमिस्ट्री से जुड़े हुए जो भी पॉइंट्स हैं वो जो है डिस्कस किए। अभी हम जो है आगे इस वीडियो लेक्चर में ऑलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स की कुछ स्ट्रक्चर्स को देखेंगे एंड कुछ और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑलिगोसैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट में ऑलिगोसैकेराइड उन कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है जिनके अंदर मोनोमर यूनिट की संख्या 2 से 20 के बीच में पाई जाती है, पहली चीज। उसके बाद ऑलिगोसैकेराइड जो हैं इनमें इतने मोनोमर यूनिट पाए जाते हैं उसके बेस पे इनको डाईसैकेराइड, ट्राईसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड इस तरीके से नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ पे जब भी हम ऑलिगोसैकेराइड की बात करते हैं तो हम मोस्टली जो है स्टडी करते हैं डाईसैकेराइड को, राइट। मोस्टली डाईसैकेराइड को हम यहाँ स्टडी करते हैं और डाईसैकेराइड में भी सारे डाईसैकेराइड हमें नहीं पढ़ने, कुछ डाईसैकेराइड हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, उनको हमें यहाँ पर देखना है। तो इसमें सबसे पहला जो डाईसैकेराइड हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है माल्टोज। माल्टोज जो है इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं और ये 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में α1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जहाँ पर जब 2 ग्लूकोज जुड़ी रहती हैं, तो देखिए यहाँ पर ये 2 ग्लूकोज हैं, α-D-ग्लूकोज और α-D-ग्लूकोज। तो यहाँ पे अल्फा जो पोजीशन आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में दिखेगी वो फर्स्ट मॉलिक्यूल की पोजीशन दिखेगी, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है वो अल्फा फॉर्म में है। तो यहाँ पे देखिए OH जो है प्लेन से नीचे है यहाँ पे, और जब OH जो है शुगर प्लेन से नीचे होता है तो वो अल्फा पोजीशन, उसको हम नाम देते हैं। तो ये कार्बन नंबर 1 का OH जो है कार्बन नंबर 4 के OH के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से एक वाटर निकल जाएगा, यहाँ पे H2O ये दिखाया हुआ है, और यहाँ पे फाइनली जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा α1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जो अल्फा पोजीशन है या बीटा पोजीशन है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में, सबसे पहला जो वर्ड यहाँ पे आता है वो फर्स्ट मॉलिक्यूल की एनोमेरिक पोजीशंस को दिखाता है, आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। माल्टोज जो है, माल्टोज में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है जो आपको याद रखना, लेकिन इसमें यहाँ पे एक न्यूमेरिकल कभी कभी पूछ लिया जाता है मॉलिकुलर वेट को लेके। अब चूंकि मॉलिकुलर वेट जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कंपोनेंट पे डिपेंड करता है कि किसी भी चीज़ के लिए कंपोनेंट कौन है, तो यहाँ पे सपोज करो वो माल्टोज का अगर मॉलिकुलर वेट पूछता है तो ग्लूकोज का जो मॉलिकुलर वेट होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिकुलर वेट जो है वो होता है 180, राइट। 180 जो है, अब यहाँ पे माल्टोज में कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो इसका माल्टोज का मॉलिकुलर वेट क्या होना चाहिए, माल्टोज का मॉलिकुलर वेट होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो जुड़े हैं, तो 180 × 2 = 360। लेकिन यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल है जो यहाँ से निकला है और वो है वाटर। तो जब हम माल्टोज बना रहे थे तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल हमने निकाला था, इसीलिए जब भी हम माल्टोज का मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट करते हैं तो वाटर का मॉलिकुलर वेट 18, क्योंकि जब 2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो उनके बीच से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो इस तरीके से 360 से आप जब 18 डिवाइड करो, माइनस करोगे, तो आपको जो है मॉलिकुलर वेट मिलेगा 342, और ये जो 342 डाल्टन मॉलिकुलर वेट है ये माल्टोज का मॉलिकुलर वेट है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी पॉलीमर का मॉलिकुलर वेट अगर आपको फाइंड आउट करना है या किसी भी ऑलिगोमर का मॉलिकुलर वेट आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, राइट। तो फॉर्मूला जो है मॉलिकुलर वेट का वो ये है कि 180 × n -
एन माइनस वन इंटू 18। यहाँ पे जो ये जो फॉर्मूला है ये लीनियर स्ट्रक्चर्स पे एप्लीकेबल है, ये हमेशा याद रखना। अगर वो ऑलिगोमर या पॉलीमर लीनियर स्ट्रक्चर है तो ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अब ये जो एन वैल्यू है यहाँ पे नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट, नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट। जैसे यहाँ पे माल्टोज है तो माल्टोज में मोनोमर यूनिट दो हैं क्योंकि यहाँ पे दो ग्लूकोज भाग लिए हैं, तो नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट तो 180। अब अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको निकालो तो देखिए ये भी यही आएगा, 180 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 18, तो वो भी 342 डाल्टन ही आएगा। अगर आप किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर का मॉलिकुलर वेट निकाल रहे हो, राइट, साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर आपके सामने आ जाए, साइक्लिक स्ट्रक्चर जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, तीन ग्लूकोज हैं जो एक साइक्लिक पैटर्न में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इसका मॉलिकुलर वेट अगर पूछ ले तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है इस तरीके से हो जाएगा, 180 इंटू एन माइनस एन इंटू 18। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला ये फॉलो करना है, राइट। तो लीनियर स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जितने नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट होंगे उतने ही वाटर निकलेंगे। देखिए एक वाटर यहाँ से निकलेगा इस बॉन्ड के निर्माण में, एक इस बॉन्ड के निर्माण में, और एक ये बॉन्ड जब फॉर्म होगा तो यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पे तीन बॉन्ड बने लेकिन तीन बॉन्ड में वाटर कितने निकले, तीन निकले, इसीलिए आपने 180 इंटू एन माइनस एन इंटू 18 किया फॉर्मूले में। लेकिन जैसे ही आपकी स्ट्रक्चर साइक्लिक हो जाती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में जैसे अगर ये स्ट्रक्चर साइक्लिक होती तो कुछ इस तरीके से होती, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। तो यहाँ पे मोनोमर यूनिट कितनी है, मोनोमर यूनिट अभी भी तीन ही है लेकिन वाटर मॉलिक्यूल कितने निकले यहाँ से, दो, H2O और H2O। तो एक बॉन्ड जब बनता है तो वहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर लीनियर स्ट्रक्चर में 18 से जो वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें आपको एन माइनस वन करना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ आपसे वो नहीं पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिकुलर वेट जो है, राइट, ये जो मॉलिकुलर वेट का फॉर्मूला है ये एप्लीकेबल फॉर ऑलिगो या पॉलीसैकेराइड। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऑलिगो सैकेराइड के लिए ही है, ये पॉलीसैकेराइड के लिए भी एप्लीकेबल है, बस आपको वहां पे उसकी मोनोमर यूनिट का पता होना चाहिए और मोनोमर यूनिट एक ही होनी चाहिए ताकि आपको उसका मॉलिक्यूलर वेट को मल्टीपल टाइम्स के एन के फैक्टोरियल में आप उसको मल्टीप्लाई कर सको। बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो माल्टोज जो है, माल्टोज को माल्ट शुगर कहते हैं। माल्टोज के बाद जो हमारी दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट डाइसैकेराइड शुगर है वो है सुक्रोज। सुक्रोज जो है इसमें α1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है, और α1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है, जैसा कि मैंने बताया कि जो भी लिंकेज में पहला जो वर्ड आ रहा है अल्फा जैसे आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन को आपको अल्फा फॉर्म में रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पॉलीमर बना, ये डाइमर बना रहा है, डाइसैकेराइड बना रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज ये जो बॉन्ड है ये इनके बीच में पाया जाता है। α1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के बीच में पाया जाता है, और जो अल्फा फॉर्म है वो फ्रक्टोज ग्लूकोज की पाई जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो अल्फा फॉर्म में मौजूद है और जो फ्रक्टोज है वो बीटा फॉर्म में। तो ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है फ्रक्टोज के सेकेंड कार्बन के साथ। ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही कार्बन एनोमेरिक कार्बन है। जो फर्स्ट कार्बन हमने ग्लूकोज में देखा ये ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन है, सेकंड कार्बन जो हम फ्रक्टोज में देख रहे हैं ये फ्रक्टोज का एनोमेरिक कार्बन है। इसका मतलब सुक्रोज के बॉन्ड फॉर्मेशन में दोनों एनोमेरिक कार्बन भाग ले रहे हैं, और जब दोनों एनोमेरिक कार्बन भाग लेंगे तो वहां पर और दूसरा कोई एनोमेरिक कार्बन नहीं बचा, इसीलिए सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाती है। क्योंकि एनोमेरिक कार्बन जो है वो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के एसिमेट्रिक होने से बन रहा है,
और ये मैंने रिड्यूसिंग शुगर में ही बोला था कि अगर किसी शुगर में एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है तो वो नॉन रिड्यूसिंग ही होगी, और किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करते हैं वो हम रिड्यूसिंग शुगर वाले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जब इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड बनेगा फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, इसका मतलब 18 मॉलिक्यूलर वेट का लॉस हो रहा है, और दोनों मॉलिक्यूल के बीच में α1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाती है। सुक्रोज जो है कुछ मायनों में बड़ा ही इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड शुगर है। पहला तो ये कि ये एक नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड शुगर है, राइट? नॉन रिड्यूसिंग नेचर जो है ये क्यों शो कर रहा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रिड्यूसिंग वाले सेक्शंस में वैसे मैंने बताया भी था, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर किसी एनोमेरिक कार्बन पे आपको ओ एच और ओ आर ये दोनों फ्री दिख जाएं तो समझ लो वो रिड्यूसिंग है, और अगर ये दोनों नहीं दिख रहे हैं तो वो नॉन रिड्यूसिंग है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखिए, ओ एच और ओ आर यहाँ किस तरीके से दिख रहे हैं। यहाँ पे जो ग्लूकोज है इसका एनोमेरिक कार्बन ये है, और जो फ्रक्टोज है इसका एनोमेरिक कार्बन ये C2 है। तो पहले C1 को देखो, C1 में O और O के साथ ये पूरा ऑर्गेनिक पार्ट जुड़ा हुआ है, तो ये R होता है, तो OR मतलब इस कार्बन पे OR तो जुड़ा हुआ है। OH देखो, OH यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है, इस कार्बन से सीधा OH कहीं नहीं जुड़ा हुआ है, इसका मतलब C1 जो है वो नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। ग्लूकोज का जो C1 एटम है बॉन्ड बनने के बाद वो नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। अब फ्रक्टोज के C2 को देखो, यहाँ पे भी वही, इस एनोमेरिक कार्बन से भी जो है OH और OR दोनों जुड़े होने चाहिए, तभी ये हेमी एसिटल और हेमी कीटल स्ट्रक्चर को शो करेगा। बाकी दोनों वैलेंसी किसी से भी कंप्लीट हो रही हो, आपको उसको ध्यान नहीं देना है, बस OH और OR ये देखिए। R जो है ये कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक जो है ये बाकी का जो कार्बन जो है, R मतलब कार्बन को शो कर रहा है, ऑक्सीजन सीधा कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है? और वो कार्बन देखिए यहाँ पे इस C2 एटम को देखिए, C2 एटम में O ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और बाकी का जो है ये जो है R हो जाएगा, तो OR तो है, लेकिन C2 में OH कहीं दिख रहा है, डायरेक्ट तो OH कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब फ्रक्टोज का जो C2 एटम है ये भी नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हो करेगा। तो इस सुक्रोज के अंदर दो एनोमेरिक कार्बन है और दोनों के दोनों नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हो कर रहे हैं, तो इसीलिए ओवरऑल इस मॉलिक्यूल की नेचर कैसी हो गई, नॉन रिड्यूसिंग। सुक्रोज में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे सुक्रोज चूंकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है इसीलिए यूज की जाती है इन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। प्लांट में जो फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो सुक्रोज के रूप में फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट? ये प्लांट फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में सुक्रोज को ही क्यों सेलेक्ट किया गया। वैसे ब्रीफली अगर देखा जाए तो चूंकि सुक्रोज की रिएक्टिविटी कम है और रिएक्टिविटी कम होने के कारण वो फ्लोएम के अदर कंपोनेंट से रिएक्ट नहीं करेगा, इसीलिए फ्लोएम को ट्रांसपोर्ट के रूप में, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल के रूप में यूज किया जाता है। फ्लोएम को सॉरी सुक्रोज को इनवर्ट शुगर भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज इनवर्ट शुगर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसा क्या है इसमें प्रॉपर्टी में जिसके कारण ये नाम पड़ा। देखिए होता क्या है कि जो सुक्रोज है इसका अगर मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी देखूं, ऑप्टिकल रोटेशन देखूं, तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू आती है, स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको चूंकि लिया जाता है और डी लाइन यूज की जाती है, इसलिए ये उसको डिनोट करने का एक तरीका है। तो स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू सुक्रोज के लिए होती है 66.7 डिग्री। इसका मतलब इस वैल्यू से पहले प्लस का साइन लगा हुआ है तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, राइट? तो इसकी ओवरऑल नेचर क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब सुक्रोज को अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करूँ, राइट? तो जब मैं इसको हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो ये अपने कंपोनेंट में टूटेगा,
और हाइड्रोलाइसिस जो है, मैं एसिड हाइड्रोलाइसिस कर सकता हूँ या सुक्रेज एंजाइम के थ्रू कर सकता हूँ। इसके जो दो मोनोमर हैं उनमें टूटेगा, और इसके दो मोनोमर क्या हैं, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और ये दोनों ही जो मोनोमर हैं ये अल्फा वन टू बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए थे। तो हाइड्रोलाइसिस के बाद इक्वल कंसंट्रेशन में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों बनते हैं। ग्लूकोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन है उसकी वैल्यू है 52.7, क्योंकि इससे पहले भी प्लस साइन है, इसका मतलब ये भी डेक्ट्रो रोटेटरी है, राइट, डेक्ट्रो रोटेटरी है। फ्रक्टोज का अगर मैं ऑप्टिकल रोटेशन देखूं तो इसके ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू है -92, राइट, कितनी है -92 डिग्री। और ये जो है, चूंकि इससे पहले यहाँ पे माइनस साइन लग गया है, इसीलिए ये अब लीवो रोटेटरी है। तो ओवरऑल सुक्रोज पहले डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, लेकिन हाइड्रोलाइसिस के बाद इन दोनों का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आप देखोगे कि यहाँ पे इक्वल कंसंट्रेशन में डेक्स्ट्रो लीवो दोनों बन रहा है, जो फाइनल सॉल्यूशन आपको मिलेगा वो लीवो रोटेटरी शो करेगा, क्योंकि लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस से पहले ये कैसा था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और हाइड्रोलाइसिस के बाद ये फाइनली कैसा होगा, लीवो रोटेटरी, मतलब प्लस डी और एल या माइनस एल। तो या तो इसे प्लस से अगर शो करते हैं डेक्स्ट्रो को तो लीवो को माइनस से शो करेंगे, अगर डेक्स्ट्रो को स्मॉल डी से करते हैं तो लीवो रोटेटरी को स्मॉल एल से करेंगे। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हाइड्रोलाइसिस से पहले था, हाइड्रोलाइसिस के बाद वो लीवो रोटेटरी हो गया। इस प्रोसेस को कहते हैं इन्वर्जन, और इसी कारण सुक्रोज जो है उसको एक नाम पड़ गया इन्वर्ट शुगर, इसीलिए सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ हाइड्रोलाइसिस से पहले जो है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर की है, और हाइड्रोलाइसिस के बाद इसका ऑप्टिकल रोटेशन जो नेचर है वो चेंज हो गया है, लीवो रोटेटरी हो गया है, इसीलिए इसको इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। अगली शुगर जो है लैक्टोज शुगर है, जो कि एक मिल्क शुगर भी कहलाती है, क्योंकि ये मिल्क में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, चूँकि ये मिल्क में पाई जाती है। लैक्टोज जो शुगर है, यहाँ पे जो बॉन्डिंग है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पाई जाती है, और जब मैं ये बात कर रहा हूँ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो जो बीटा पोजिशन है वो पहले मॉलिक्यूल की होगी। तो पहला जो मॉलिक्यूल है वो गैलेक्टोज यहाँ पे होता है, और वो बीटा फॉर्म में रहेगा, और इसका जो C1 है, मतलब फर्स्ट एटम है, वो ग्लूकोज के फोर्थ एटम से रिएक्ट करेगा, और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद यहाँ पे फाइनली एक बॉन्ड बनेगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और यही लैक्टोज है। तो लैक्टोज के अंदर जो आप बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देख रहे हो, इसके दो मोनोमर हैं, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, ठीक है, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ पे जो बीटा गैलेक्टोसाइड ये लैक्टोज है, लैक्टोज जो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इसमें दो एंड हैं, राइट, तो ये रिड्यूजिंग है या नॉन रिड्यूजिंग है इसका कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे जो एनोमेरिक कार्बन है, जैसे यहाँ पे जो बॉन्ड बनने के बाद जो फर्स्ट कार्बन है, ये एक तो ये एनोमेरिक है, और इस दूसरे मॉलिक्यूल में भी C1 जो एटम है, हालांकि इस ग्लूकोज के फर्स्ट एटम का कार्बन एटम ने बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लिया है। तो अब इनको आपको देखना है कि ये एनोमेरिक रिड्यूजिंग है या नॉन रिड्यूजिंग है। तो जब आप गैलेक्टोज के C1 को देखोगे तो यहाँ पे ये देखिए कि कार्बन जो है इसके साथ OH और OR फ्री है या नहीं है। तो OH कहीं OH दिख रहा है, डायरेक्ट तो OH कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब OH यहाँ पे नहीं है। OR एक ऑक्सीजन है, और इस ऑक्सीजन देखिए
ऑक्सीजन इसको भी मान लीजिए यहाँ पे, या इसको मान लीजिए, किसी को भी मान सकते हैं, क्योंकि उससे दूसरा कार्बन जुड़े हुए हैं दोनों डायरेक्शन में, ये ऑक्सीजन भी इधर इस कार्बन से जुड़ी हुई है, ये ऑक्सीजन। तो आप जो ओ आर मान रहे हो वो आप दोनों में से किसी को भी मान लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको मिनिमम दो ये देखने हैं। तो यहाँ पे ओ आर तो दिख रहा है, ओ एच नहीं दिख रहा है, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग हुआ। जो गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन है ये कैसा हुआ, नॉन रिड्यूसिंग। अब ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन को देखो, यहाँ पे ओ एच दिख रहा है, और ओ एच के साथ साथ इसकी एक वैलेंसी हो रही है हाइड्रोजन से पूरी, दूसरी वैलेंसी हो रही है ओ आर, राइट, ओ, और बाकी का जो है ऑर्गेनिक पार्ट है आर। तो इसका मतलब यहाँ ओ एच और ओ आर है, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एंड हुआ। तो यहाँ पे 50% तो नॉन रिड्यूसिंग है, 50% रिड्यूसिंग है, इसलिए ओवरऑल जो इसकी नेचर है वो रिड्यूसिंग ही ये शो करता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस तरीके से इन चीज़ों को देखा जाता है स्ट्रक्चर के बेस पे। लैक्टोज जो है प्रोकैरियोटिक सिस्टम में एक जीन है, लैक जेड जीन, उसके द्वारा ये सिंथेसाइज होता है, लैक जेड जीन इन पी के सिस्टम। मैं जब भी बात लिखता हूँ पी के सिस्टम तो इसका मतलब होता है प्रोकैरियोटिक सिस्टम, और अगर मैं लिख रहा हूँ ई के सिस्टम तो यूकैरियोटिक सिस्टम। तो लैक जेड जीन होती है प्रोकैरियोटिक सिस्टम में, जो एक एंजाइम बनाती है, उस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो एंजाइम है ये लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है, लैक्टोज में, सॉरी मैं इसमें ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में ये जो एनिमल सिस्टम है वहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं पाया जाता, वहाँ लैक्टेज एंजाइम पाया जाता है। और एनिमल सिस्टम में जो लैक्टेज एंजाइम है, लैक्टेज एंजाइम बहुत सारे पर्सन्स के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता, तो इन एनिमल सिस्टम, राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है इन एनिमल सिस्टम। तो एनिमल सिस्टम के अंदर आपको लैक्टेज एंजाइम दिखेगा, ये मैं बात कर रहा था बीटा गैलेक्टोसाइडेज की पी के सिस्टम में, और एनिमल सिस्टम में मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा वो कौन सा एंजाइम होगा, लैक्टेज एंजाइम होगा। ये जो लैक्टेज एंजाइम है बहुत सारे पर्सन्स के अंदर इसको बनाने वाला जो जीन होता है वो जीन जो है ऑफ हो जाता है, और जैसे ही ये जीन ऑफ होगा तो जीन ऑफ के कारण यहाँ पर लैक्टेज एंजाइम नहीं बनेगा, और जब यहाँ लैक्टेज एंजाइम नहीं बनता है तो यहाँ पे ये पर्सन लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, इसी को कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस, राइट। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है ये इस तरीके से आपको समझना है। लैक्टोज इंटॉलरेंस जिसके अंदर भी पाया जाएगा वो लैक्टोज को तो यूज नहीं कर पा रहा, लेकिन फर्मेंटिंग प्रोडक्ट को वो ईजिली यूज कर सकता है, क्योंकि फर्मेंटिंग प्रोडक्ट लैक्टोज के ब्रेक डाउन से बनते हैं। तो यहाँ तक आते आते हमने ये देखा कि जो इम्पोर्टेंट डाइसैकेराइड शुगर है, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये किस तरीके से यहाँ पे बॉन्डिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है, बॉन्डिंग पैटर्न यहाँ पाया जा रहा है, और किस तरीके से वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर के साथ खुद को बना रहे हैं। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज के बाद ऐसा नहीं है कि यही दो डाइसैकेराइड शुगर हैं, कुछ और भी इम्पोर्टेंट डाइसैकेराइड शुगर्स हमारे नेचर में हैं जो बहुत ज़्यादा नेचर में अपना इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती हैं। जैसे एक और डाइसैकेराइड शुगर होती है उसका नाम है सेलोबायोस। तो जो सेलोबायोस है, सेलोबायोस जब आप सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हो तो सेलुलोज जो है एक डाइसैकेराइड यूनिट के रूप में टूटती है, और उस डाइसैकेराइड यूनिट में दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में बीटा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं, राइट। तो बीटा 14 लिंकेज से वो जुड़े होते हैं, उसी बीटा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वाली डाइसैकेराइड यूनिट को जो कि सेलुलोज के ब्रेक डाउन से बनी है उसी को हम सेलोबायोस कहते हैं। ये एक, देखिए, सेलुलोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है जबकि सेलोबायोस एक रिड्यूसिंग शुगर है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब वो जो है उसकी स्ट्रक्चर एग्जैक्टली बॉन्डिंग पैटर्न और ये सब तो सेम है, लेकिन उसके एनोमेरिक कार्बन यहाँ पे एक्सपोज हो चुके हैं, और एनोमेरिक कार्बन एक्सपोज होने के कारण अब वो कैसा नेचर शो करेगा, रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा। एक और डाइसैकेराइड है जिसको बोलते हैं ट्रिहैलोज,
ट्रहलोज है, ये ट्रहलोज जो है यहाँ पे दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल राइट अल्फा 1-1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े रहते हैं। अल्फा 1-1 लिंकेज यहाँ पे पाया जाएगा, तो अल्फा 1-1 ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज है वो यहाँ पे, चूंकि देखिए दोनों ही ग्लूकोज के अंदर जो फर्स्ट कार्बन होता है वो एनोमेरिक होता है, और ट्रहलोज के अंदर दोनों ही एनोमेरिक कार्बन बॉन्ड में भाग ले चुके हैं, इसीलिए यहाँ कोई एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं रहा है, इसीलिए ये कैसे शुगर हो जाएगी, नॉन रिड्यूजिंग शुगर हो जाएगी। और ये मैंने बताया था कि अगर कभी भी डाइसैकेराइड के अंदर बॉन्डिंग 1-4 पाई जा रही है, चाहे वो अल्फा हो चाहे बीटा हो, वो रिड्यूजिंग होगी, और अगर 1-1 या 1-2 बॉन्डिंग पाई जा रही है, चाहे वो अल्फा हो चाहे बीटा हो, वो नॉन रिड्यूजिंग होगी। ट्रहलोज जो है वो इस तरीके से पाया जाएगा। उसके अलावा और भी कुछ डाइसैकेराइड हैं अगर हम देखें तो, जैसे लैक्टुलोज एक डाइसैकेराइड और है, उसको हम बोलते हैं लैक्टुलोज। तो लैक्टुलोज जो है इसके अंदर अगर हम मोनोमर का देखें तो इसके अंदर है गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज। तो गैलेक्टोज और फ्रक्टोज जो हैं वो दोनों बीटा 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से यहाँ जुड़े रहते हैं, और बीटा 1-4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जहाँ जुड़े होते हैं, और चूंकि 1-4 पैटर्न है, और मैंने बताया था कि डाइसैकेराइड के अंदर अगर कभी भी 1-4 बॉन्डिंग पैटर्न आ रहा है तो ये कैसी शुगर होगी, रिड्यूजिंग शुगर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से, और ऐसा नहीं है कि इन डाइसैकेराइड्स के अलावा और कोई ऑलिगोसैकेराइड नहीं है नेचर में, और भी कुछ ऑलिगोसैकेराइड वाली कैटेगरी में कुछ शुगर्स आती हैं अगर उनको देखें तो, जैसे रेफिनोज एक ऑलिगोसैकेराइड है। रेफिनोज तो जो रेफिनोज है, रेफिनोज के अंदर जो सुक्रोज होता है, इस सुक्रोज के साथ आप एक गैलेक्टोज को और जोड़ दो, और कौन से बॉन्ड से जोड़ दो, अल्फा 1-6। तो ये सुक्रोज और गैलेक्टोज जुड़े हुए हैं और बॉन्ड है अल्फा 1-6, तो ये मॉलिक्यूल कहलाएगा रेफिनोज। जो रेफिनोज है ये भी फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट फॉर्म में यूज होता है राइट। तो जो रेफिनोज है, ऐसा नहीं है कि रेफिनोज ही यूज होता है, सुक्रोज यूज होता है, सुक्रोज के अलावा और कुछ और भी ऑलिगोसैकेराइड्स होते हैं जो फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज होते हैं, जिसमें से रेफिनोज भी एक है। रेफिनोज डाइसैकेराइड नहीं है, ये अब ऑलिगोसैकेराइड में आ गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो भी नाम है वो आपको ध्यान रखना है कि वो ऑलिगो हैं डाई हैं क्या है। रेफिनोज के अलावा एक ऑलिगोसैकेराइड और है स्टेकायोज राइट। स्टेकायोज ये भी जो है फ्लोएम में पाया जाता है, एज ए ट्रांसपोर्ट फॉर्म यूज होता है। रेफिनोज के अंदर आप एक और गैलेक्टोज जोड़ दो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्टेकायोज। तो इसका मतलब आपने सुक्रोज में जब एक गैलेक्टोज जोड़ा तो वो बन गया था रेफिनोज, और रेफिनोज में एक और गैलेक्टोज जोड़ दिया, और यहाँ पे बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड जो है अल्फा 1-6 ही पाया जाएगा। तो ये जो अल्फा 1-6 बॉन्ड है, अल्फा 1-6 ठीक है, तो ये स्टेकायोज। अब स्टेकायोज के अंदर भी अगर आप एक और गैलेक्टोज जोड़ देते हो तो वर्बेस्कोज राइट। तो ये तीसरा जो ऑलिगोसैकेराइड है इसको कहते हैं वर्बेस्कोज। इसके अंदर ये कब बनेगा, जब आप स्टेकायोज में एक और गैलेक्टोज जोड़ देते हो राइट। तो देखो याद करने में बड़ी सुविधा रहती है, और यहाँ भी बॉन्ड कैसा होगा, अल्फा 1-6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। मैं ये तीनों की बात क्यों कर रहा हूँ, रेफिनोज स्टेकायोज वर्बेस्कोज की, क्योंकि ये तीनों ही फॉर्म फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट फॉर्म में यूज होती हैं। इसका मतलब सुक्रोज के साथ साथ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सुक्रोज को यूज नहीं करते, कुछ रेफिनोज को, कुछ स्टेकायोज को, कुछ प्लांट वर्बेस्कोज को भी यूज करते हैं फ्लोएम में फूड ट्रांसलोकेशन में राइट। तो ऑल दीज थ्री बींग यूज इन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट।
ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई ये फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में यूज होते हैं, इसीलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब दिमाग में ये नहीं रखना है कि सिर्फ सुक्रोज ट्रांसपोर्ट करता है, सुक्रोज के अलावा ये भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये जो ऑलिगोसैकराइड, देखिए ये डाइसैकराइड नहीं है, ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे, ये ऑलिगोसैकराइड में, जबकि हमने सेलोबायो ट्रेहलोज लैक्टुलोज जो पढ़ा ये किस में आ रहे हैं, डाइसैकराइड में, और ये रेफिनोज स्टेकायोज वर्वेस्कोज ये किस में आ रहे हैं, ऑलिगो सैकराइड में। ये इस तरीके से ध्यान रखना है। और इनका यूज कहाँ पे है, भाई ये फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे प्लांट्स में देखे गए हैं। अब किस प्लांट में कौन सा देखा गया है, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा वो डेप्थ में ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। आप यहाँ तक अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी सफिशियंट है। ऑलिगोसैकेराइड के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं पॉलीसैकेराइड पर। राइट, आई होप कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, स्टेकायोज वर्वेस्कोज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की। पॉलीसैकेराइड जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जहाँ मोनोमर सब यूनिट की जो वैल्यू होती है वो मोर देन 20 होती है। टेस्ट इनमें कुछ होता नहीं है, टेस्टलेस होते हैं, वाटर में इंसॉल्यूबल होते हैं और ये नॉन रिड्यूजिंग होते हैं। सारे के सारे पॉलीसैकेराइड की जो नेचर होगी वो कैसी होगी, नॉन रिड्यूजिंग होगी, राइट, नॉन रिड्यूजिंग शुगर होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं स्टार्च को देखूं, जो स्टार्च है वो यहाँ पे देखिए आपको दो तरीके के बॉन्ड मिलेंगे, अल्फा 1,4 बॉन्ड भी मिलेगा एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहाँ पे आपको मिलती है। एक चीज़ और याद रखनी है बच्चों कि जो पॉलीसेकेराइड या जो कार्बोहाइड्रेट, जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, इसको हम खाते हैं, तो जो एनर्जी प्रोवाइडिंग पॉलीसेकेराइड हैं उनमें अल्फा बॉन्ड पाए जाते हैं और जो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड हैं उनमें बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाए जाते हैं। जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये मेटाबॉलिक पॉलीसेकेराइड हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो बॉन्ड है वो अल्फा फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन अगर हम दूसरे पॉलीसेकेराइड को देखें, जैसे कि अगर मैं सेलुलोज की बात करूं, काइटिन की बात करूं, तो वहां पर बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यूजुअली मिलता है। स्टार्च की स्ट्रक्चर को जब मैं देखता हूं तो स्टार्च की स्ट्रक्चर में दो बड़े मेन पार्ट होते हैं, यहाँ पे हम बड़े कंफ्यूज होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। स्टार्च की जो स्ट्रक्चर है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट को हम बोलते हैं एमाइलोज, राइट, और ये वाटर में सॉल्यूबल होता है और ये बहुत ज़्यादा नहीं पाया, 20-30% पार्ट एमाइलोज होता है और दूसरा पार्ट होता है एमाइलोपेक्टिन। आप जब भी कभी आलू को काटते हो और उसको पानी में जब आप डिजॉल्व करते हो तो आपने देखा होगा कि पानी है वो थोड़ा सा मिल्की टाइप सा हो जाता है, इसका मतलब उसमें एमाइलोज डिजॉल्व हो चुका है, क्योंकि ये एमाइलोज जो है वो वाटर में सॉल्यूबल है। एमाइलोज के अंदर जो बॉन्डिंग पैटर्न है, बॉन्ड है, वो है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और एमाइलोपेक्टिन जो है इसके अंदर अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ये दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, एमाइलोज जो है, अब देखिए एमाइलोज जो है वो इस तरीके से, जैसे इस डायग्राम में देखिए, इस तरीके से एक हेलिकल पैटर्न फॉर्म करता है। तो हेलिकल जो स्ट्रक्चर है एमाइलोज फॉर्म हेलिकल स्ट्रक्चर, मतलब अगर स्टार्च में जो इस तरीके का स्पाइरल पैटर्न आपको दिख रहा है, हेलिकल स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो इस एमाइलोज बनाता है, राइट, और कैसे बनाता है ये हम देखेंगे। जबकि जो एमाइलोपेक्टिन है वो ब्रांचिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, फॉर्म ब्रांच, तो वो जो है 25 ब्रांच एवरी 25-30 ग्लूकोज, तो 25 से 30 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बाद वो
एक ब्रांचिंग पॉइंट बना रही है। ठीक है, देखिए होता क्या है कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के रूप में ये ग्लूकोज जो है इस तरीके से जुड़ते चले जाते हैं और एक स्पाइरल फॉर्म बना देते हैं। तो हेलिकल जो फॉर्म है वो एमाइलोज में पाई जाती है और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही उसके लिए जिम्मेदार है। जब इस तरीके से हेलिकल फॉर्म बनती है राइट एमाइलोज की, इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। इसके अंदर पोर साइज डेवलप होते हैं और जो पोर साइज हैं इनका जो साइज है वो आयोडीन के भी कंपेटेबल है और वाटर के भी कंपेटेबल है। तो आयोडीन के कंपेटेबल होने के कारण ये आयोडीन टेस्ट दे देते हैं और आयोडीन टेस्ट में ये ब्लू कलर देते हैं। एमाइलोज का अगर आयोडीन टेस्ट लो तो ये कैसा कलर शो करेगा, ब्लू कलर शो करेगा, क्योंकि पोर साइज के बीच में आयोडीन जाके बैठ जाती है और वो पॉजिटिव टेस्ट देती है। स्टार्च जो है वो बहुत ज़्यादा वाटर को कंटेंट करके रखता है, उसका भी यही कारण है क्योंकि यहाँ पोर साइज होते हैं, पोर साइज सफिशिएंट उनका साइज होता है और वहाँ वाटर मॉलिक्यूल जाके बैठ जाते हैं। तो ये जो है 3:1 रेशियो में यहाँ पर वाटर पाया जाता है। अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे एमाइलोज का होगा तो 3 मॉलिक्यूल वहाँ पे वाटर के यूजली आपको देखने को मिलेंगे। और एनिमल सिस्टम के अंदर स्टार्च जो है वो स्टोरेज में फूड यूज नहीं होता, उसका कारण भी वाटर है क्योंकि स्टार्च में पानी बहुत स्टोर रहता है। अगर एनिमल सिस्टम इतना ज़्यादा पानी स्टोर करके रखेगा, अगर मान लो एनिमल सिस्टम में स्टार्च एक रिजर्व फूड के रूप में यूज होता और वहाँ पे स्टार्च के साथ साथ वाटर भी होता और वाटर जो है उसे 3 गुना पाया जा रहा है स्टार्च में, और इससे क्या होता, इससे उसका वेट बढ़ जाता एनिमल का और एनिमल को माइग्रेशन में बड़ी दिक्कत आती क्योंकि मूवमेंट जो है वो एनिमल की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। प्लांट के अंदर मूवमेंट होता नहीं है, इसीलिए वहाँ वो समस्या नहीं थी। इसीलिए एनिमल सिस्टम में जो स्टोरेज फूड है वो स्टार्च नहीं होता, ग्लाइकोजन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्रांचिंग ज़्यादा पाई जाती है। ब्रांचिंग ज़्यादा पाई जाने के कारण वहाँ पे वाटर जो कंटेंट है वो इतना ज़्यादा उसमें नहीं मिलता और वो ग्लाइकोजन एनर्जी भी एज कम्पेयर टू स्टार्च ज़्यादा देती है। जैसे जो स्टार्च है वो 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी हमें देता है जबकि ग्लाइकोजन जो है वो हमें 9 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी देता है। तो ये तो रही बात एमाइलोज की, हेलिकल स्ट्रक्चर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वाटर पोर साइज आयोडीन के कंपेटेबल है इसलिए वो आयोडीन टेस्ट दे रहा है और आयोडीन टेस्ट में एमाइलोज या स्टार्च कैसा कलर देगा, ब्लू कलर देगा। ठीक है, इसको भी यहीं पर नोट डाउन कर लो। यहाँ पे जो स्टार्च है उसमें जो दूसरा पार्ट है वो एमाइलोपैक्टिन। एमाइलोपैक्टिन जो है यहाँ देखिए इस तरीके से ब्रांच बनाता है हर 25 से 30 मॉलिक्यूल के बाद, और जो लीनियर पार्ट है इसमें जैसे ये वाला जो लीनियर पार्ट है ये तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ही बना है, लेकिन जो ब्रांच है वो अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से पैदा हुई है। इसका मतलब ब्रांचिंग पे कौन सा बॉन्ड मिलेगा आपको, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको वहां पे देखने को मिलेगा। जो स्टार्च है वो एनर्जी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्टार्च जो है एनर्जी हमें देगा 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। अगर हम स्टार्च को खाते हैं एनर्जी के लिए तो 1 ग्राम स्टार्च खाने पर हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन है ये दोनों ही स्टार्च के पार्ट हैं। एमाइलोज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 20% जो है पाया जाता है और एमाइलोपैक्टिन जो है अप्रॉक्सीमेटली 80% पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हेलिकल स्ट्रक्चर और ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो एमाइलोज बनाता है और उसमें ब्रांचिंग जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर में वो एमाइलोपैक्टिन देता है और कौन से बॉन्ड से देता है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। हमने यहाँ पे ये भी देखा कि एनिमल सिस्टम में स्टार्च एज ए रिजर्व फूड यूज क्यों नहीं हुआ। अगला जो पॉलीसैकेराइड है वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन
ग्लाइकोजन की जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा हमें इसमें कुछ देखना नहीं है, एग्जैक्टली स्टार से जैसा ही होता है। यहाँ पे बस अंतर ये इतना है कि ग्लाइकोजन के अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा पाई जाती है, मोर ब्रांचिंग। तो यहाँ स्टार्च में जो हमने ब्रांचिंग देखी थी वो मोर ब्रांचिंग प्रेजेंट है। स्टार्च के अंदर ब्रांचिंग जो है वो 25 से 30 मॉलिक्यूल के बाद एक ब्रांच मिल रही थी, जबकि यहाँ पे जो आपको ब्रांच मिलेगी वो 9 टू 12 रेसिड्यू के डिफरेंस के बाद आपको मिलेगी। तो हर 9 से 12 रेसिड्यू के बाद आपको ब्रांचिंग मिलेगी, इस कारण ग्लाइकोजन थोड़ा सा ज़्यादा ब्रांच स्ट्रक्चर होती है। और ज़्यादा ब्रांचिंग होने के कारण यहाँ पे पोर साइज क्या है, छोटा हो गया है, और छोटे पोर साइज के कारण यहाँ वाटर कंटेंट भी इनमें कम पाया जाता है। इसीलिए एनिमल सिस्टम में कम ग्लाइकोजन स्टोर करके भी हम ज़्यादा कॉम्पैक्ट तरीके से ज़्यादा ग्लाइकोजन को स्टोर कर सकते हैं और उससे हमें एनर्जी भी ज़्यादा मिलती है। अगर ग्लाइकोजन का एनर्जी देखें कि भाई ये कितनी एनर्जी देता है, तो ग्लाइकोजन का एनर्जी जो बैलेंस है वो है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। अगर मैं 1 ग्राम ग्लाइकोजन खाता हूँ तो मुझे 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे भी दोनों तरीके के बॉन्ड मिलेंगे, अल्फा 1,4 बॉन्ड भी मिलेगा यहाँ और अल्फा 1,6 भी मिलेगा। अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 लिंकेज, दोनों ही लिंकेज यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। तो जो अल्फा 1,4 है वो लीनियर पार्ट के लिए मिलेगी और अल्फा 1,6 ब्रांचिंग वाली जगह पे मिलेगी। यहाँ पे आपको एक संबंध याद रखना है कि यहाँ चूंकि ब्रांचिंग ज़्यादा है तो मोर ब्रांचिंग, और जब ब्रांचिंग ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल की जो ब्रांच हैं वो पास पास होंगी, और पास पास होने के कारण पोर साइज कैसा हो जाएगा, कम होगा ज़्यादा होगा, कम होगा। तब पोर साइज यहाँ पर ब्रांचिंग ज़्यादा होने के कारण कम होगा। जब पोर साइज कम होगा तो यहाँ पर वाटर कंटेंट कितना स्टोर होगा, ज़्यादा या कम, राइट। तो जब पोर साइज कम है तो वाटर कंटेंट भी क्या होगा, कम स्टोर करेगा। और स्टेबिलिटी कैसी होगी, क्योंकि ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया है तो ये स्टेबिलिटी भी इसकी ज़्यादा है, मोर स्टेबल है। तो ग्लाइकोजन के संबंध में ये संबंध आपको ध्यान रखना है कि ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग ज़्यादा है, इस कारण पोर साइज क्या हो गया है, कम हो गया है, और पोर साइज कम होने के कारण उसमें वाटर भी बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं आ पा रहा है, बहुत कम वाटर वो रखता है एज कम्पेयर टू स्टार्च। और ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है एज कम्पेयर टू स्टार्च, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। इसके अलावा अगला जैसे और भी इसमें बहुत सारे पॉलीसेक्राइड हैं जो हमें देखने हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लीजिए बॉन्डिंग किस तरीके से बन रही है। ये यहाँ पे जो लीनियर ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है अल्फा 1,4, और जो ब्रांचिंग वाले बॉन्ड हैं वो हैं अल्फा 1,6 लिंकेज। तो ये इस तरीके से याद रखना है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैं अल्फा 1,4 1,6 इन सबको डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरीके से इनको आपको डिस्कस करना है। सेलुलोज, सेलुलोज जो है ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉलीसेक्राइड है, और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये अर्थ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन अर्थ, पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है कि मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल जो है वो सेलुलोज है, राइट। दूसरी बात ये कि सेलुलोज में जब भी हम सेल वॉल पढ़ते हैं तो सेल वॉल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है, लेकिन चूंकि यहाँ हमारा पॉइंट सिर्फ उसकी केमिस्ट्री को डिस्कस करना है, सेल वॉल की स्ट्रक्चर, और इसको हम सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे डिटेल, माइक्रोफाइब्रिल सेलुलोज फाइब्रिल किस तरीके से ये ओरिएंट होते हैं, यहाँ हम सिर्फ केमिस्ट्री एस्पेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं। तो जो सेलुलोज होता है वो सेल वॉल में पाया जाता है, तो मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है, सेल वॉल फॉर्म करता है, राइट। लेकिन ये जो सेल वॉल है सेलुलोज से बनी,
ये एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक ये पाई जाती है। इसका मतलब फंजाई की स्थिति यहाँ क्लियर नहीं है। तो फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की नहीं बनी होती, वो काइटिन की बनी होती है। लेकिन फंजाई के अंदर एक ऐसी क्लास है ओमाइसिटीज, ओमाइसिटीज क्लास, उसके अंदर नो काइटिन, वहाँ पे जो सेल वॉल है वो काइटिन का नहीं होता, वहाँ पे सेल वॉल उस फंगस में किसका मिलेगा, सेलुलोज का मिलेगा। तो यहाँ पे सेलुलोज सेल वॉल प्रेजेंट, ठीक है। उसके अलावा जो सेलुलोज है, सेलुलोज के अंदर बॉन्डिंग जो है, देखिए यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन रहा है आप इसको खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं, β-1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है। बीटा क्यों? क्योंकि इस कार्बन की, इस अगर मैं इन दो मॉलिक्यूल को बात करूं तो यहाँ पे OH जो है नीचे की तरफ था और ऑक्सीजन भी नीचे की तरफ बनाई थी, इसका मतलब ये बीटा फॉर्म होती है। ऑक्सीजन की तरफ अगर OH है तो वो बीटा, अगर ऑक्सीजन जो साइक्लिक स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन आ रहा है उससे अपोजिट है वो OH, तो वो अल्फा फॉर्म होती है। तो यहाँ तो इसी की साइड में है तो ये बीटा फॉर्म हुई, और दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से वो β-1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इस तरीके से बनाते हैं। और यहाँ पर इस तरीके के एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जुड़ते चले जाते हैं और उसी से सेलुलोज का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें जो जैसे देखिए, यूजुअली हम क्या करते हैं कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, और इसमें OH अगर आप नीचे बनाते हो तो अल्फा फॉर्म कहते हैं, और इसको ऊपर बनाते हो तो आप उसको बीटा फॉर्म कहते हैं। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इसको मैं इस तरीके से बना दूं, जैसे इस मॉलिक्यूल को देखो, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल कैसा बना हुआ है, इन्होंने इस मॉलिक्यूल को उल्टा कर दिया है, राइट। तो इसका मतलब कि ये जो कार्बन है ये C1 कार्बन है। तो यहाँ पे अगर मैं OH नीचे बना देता हूँ तो अब ये अल्फा नहीं कहलाएगा, अब ये क्या कहलाएगा, बीटा, क्योंकि ऑक्सीजन की साइड में OH है, राइट। तो यहाँ पे OH की जो पोजीशन है अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर में, वो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में डिसाइड करिए जब भी आपको, क्योंकि वैसे तो ये प्लेन के रेस्पेक्ट में डिफाइन होती है, लेकिन 3 डायमेंशनल प्लेन को तो आप 2D में नहीं देख सकते, तो उसको ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में डिसाइड कीजिए कि अगर ऑक्सीजन और OH एक ही साइड में है तो बीटा, और ऑक्सीजन जो साइक्लिक स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन है और OH अगर अलग अलग डायरेक्शन में है तो वो अल्फा फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर बीटा फॉर्म है, ये कई बार ये हमें कन्फ्यूजन हो जाती है, इसीलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ डिस्कस किया है। यहाँ पे जो सेलुलोज है हर कोई उसको नहीं पचा सकता, सेलुलोज को पचाने की, डाइजेस्ट करने की जो क्षमता है वो रूमिनेंट जो एनिमल होते हैं, रूमिनेंट इनके अंदर एंड टर्माइट्स, ये दो ही इस तरीके के एनिमल सिस्टम हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, राइट। तो इट दीज कैन डाइजेस्ट सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो सेल वॉल बनाती है, स्ट्रक्चरल पार्ट रोल प्ले करेगी। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम डिटेल नहीं पढ़ रहे, जैसे सेल वॉल का सिंथेसिस जो होता है तो सेलुलोज किस फेस पे बनती है, हालांकि वो साइटोसोलिक फेस में सेलुलोज सिंथेज एक एंजाइम होता है जो इसको बनाता है, वो सब हम सेल बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। अगला जो बायोमोलिक्यूल है वो काइटिन। काइटिन जो है जहाँ पे जो आपको बॉन्ड मिलेगा ये आपको मिलेगा β-1,4, राइट। β-1,4 लिंकेज आपको यहाँ पे मिलता है, और β-1,4 लिंकेज में जो मोनोमर आपको यहाँ पे यूज हो रहा है वो है एन एसिटाइल डी ग्लूकोसेमीन। तो ये जो मॉलिक्यूल है, इस एक मॉलिक्यूल का पूरे का नाम जो है वो है एन एसिटाइल डी ग्लूकोसेमीन। इसको एन एसिटाइल, क्योंकि देखिए एन नाइट्रोजन एटम के साथ, ये रहा नाइट्रोजन एटम,
इसके साथ एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ था, एन एसिटाइल एंड डी ग्लूकोसमीन, राइट। तो ये जो है क्योंकि इसमें डी ग्लूकोसमीन, क्योंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ ये जो है एन एच टू, ये एमीन ग्रुप भी जुड़ा हुआ था, इसीलिए इसका नाम बनता है एन एसिटाइल डी ग्लूकोसमीन। एन एस काइटिन जो होता है वो इंसेक्ट के अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है, सेल वॉल और फंगस। इंसेक्ट में सेल वॉल नहीं पाई जाती, मैं स्टेटमेंट को करेक्ट करता हूँ, सेल वॉल और फंगस एंड एग्जोस्केलेटन। इंसेक्ट में एग्जोस्केलेटन पाया जाता है इन इंसेक्ट। तो इंसेक्ट का जो एग्जोस्केलेटन है वो काइटिन का पाया जाता है, और उसमें जो फंगस हैं, सॉरी जो फंगस हैं प्लांट में, उनकी सेल वॉल भी काइटिन की बनी होती है। ये पॉलीमर है एन एसिटाइल डी ग्लूकोसमीन का, और इसमें भी बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाए जाते हैं, राइट। इसके अलावा कुछ और भी हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, या अभी तक हमने जितने भी पॉलीसैकेराइड पढ़े हैं वो सारे के सारे होमोपॉलीसैकेराइड हैं। होमोपॉलीसैकेराइड कहते हैं वहाँ पर अलग अलग यूनिट, जो मोनोमर यूनिट हैं वो यूज नहीं हुई हैं, एक ही मोनोमर यूनिट जो है वो बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, वो अल्फा भी हो सकता है बीटा भी हो सकता है, वो यहाँ पे बाइंड हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वही होमोपॉलीसैकेराइड हैं, और भी होमोपॉलीसैकेराइड हैं, जैसे पैक्टिन आता है, पैक्टिन जो है वो डी गैलेक्टुरोनिक एसिड अल्फा 1,4 लिंकेज के थ्रू वहाँ जुड़ा रहता है। जैसे अगर हम पैक्टिन को देखें, क्योंकि पैक्टिन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। पैक्टिन जो है ये भी एक होमोपॉलीसैकेराइड है, और ये सेल वॉल में पाया जाता है, सेल वॉल के अंदर ये मिडिल लैमिला में पाया जाता है, राइट। सबसे ज़्यादा ये कहाँ मिलेगा, मिडिल लैमिला में, और मिडिल लैमिला के अंदर भी ये दो फॉर्म में पाया जाता है, एक तो मिलेगा कैल्शियम पैक्टेट के रूप में, और दूसरा मिलेगा मैग्नीशियम पैक्टेट के रूप में, ठीक है। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो पैक्टेट हैं उनके रूप में ये मिडिल लैमिला में मिलता है। पैक्टिन के अंदर जो लिंकेज मिलेगा वो मिलता है अल्फा 1,4 लिंकेज यहाँ पर मिलता है, और जिस मोनोमर यूनिट से ये बना है अल्फा 1,4 लिंकेज यूज करके, उस मोनोमर यूनिट का नाम है डी गैलेक्टुरोनिक एसिड। और पैक्टिन के कारण ही सेल वॉल पर नेगेटिव चार्ज रहता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे इसकी स्टडी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सेल वॉल में इसको हम आगे फर्दर डिटेल स्टडी करते हैं। होमोपॉलीसैकेराइड में हमने मोनोमर यूनिट जो थी वो एक ही थी, वही जो मोनोमर यूनिट है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ी हुई थी। हेट्रोपॉलीसैकेराइड में जो है मोर देन वन मोनोमर, वो पॉलीसैकेराइड जिनमें मोर देन वन मोनोमर यूनिट भाग ले, जिनको बनाने में, उनको हम कहते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड। नाम से ही क्लियर है। जैसे हेट्रोपॉलीसैकेराइड में हम हाइलुरोनिक एसिड को पढ़ते हैं, हाइलुरोनिक एसिड, देखिए हेट्रोपॉलीसैकेराइड जो है वो मोस्टली जो एनिमल टिश्यू है उनके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। तो हाइलुरोनिक एसिड जो है यहाँ पर आपको दो तरीके का लिंकेज मिलेगा, बीटा 1,3 एंड बीटा 1,4 लिंकेज, और ये दो मोनोमर यूनिट यहाँ पर पाई जाती हैं, डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल डी ग्लूकोसमीन। इसीलिए ये हेट्रोपॉलीसैकेराइड में स्टडी किया जाता है। हाइलुरोनिक एसिड के अलावा दूसरा जो हेट्रोपॉलीसैकेराइड है वो है कॉन्ट्रोइटिन सल्फेट, जिसके अंदर बीटा 1,3 एंड बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जहाँ पाई जाती है, और ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ मिल रहा है ये डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल डी गैलेक्टोसैमीन 4 सल्फेट के बीच में पाया जाता है। तीसरा जो हेट्रोपॉलीसैकेराइड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एंटी कोगुलेंट के रूप में यूज किया जाता है हेपेरिन, जो ब्लड को जमने नहीं देता, इसके अंदर अल्फा 1,4 लिंकेज पाई जाती है, और ये अल्फा 1,4 लिंकेज जो है ये हाइलुरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल डी ग्लूकोसमीन के बीच में पाई जाती है।
कुछ लिमिटेड इम्पोर्टेंट हेटरोपॉलीसैकेराइड हैं जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ से मेनली यहाँ से लिंकेज या इनके मोनोमर यूनिट कौन से हैं वो, या फिर हेटरोपॉलीसैकेराइड में कौन सा कार्बोहाइड्रेट आ रहा है वो आपको इस तरीके से ऑब्जेक्टिविटी में कुछ नाम दे देगा, उसमें आपको ये फाइंड आउट करवा लेता है कभी कभी। तो आपको ये चीज़ इस तरीके से याद रखनी है। थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं और अब बढ़ते हैं हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट पे आ जाते हैं, और ये है क्वालिटेटिव टेस्ट। आप जो हैं जब भी कभी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की अगर क्वालिटी को स्टडी करोगे, तो कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी को स्टडी किन किन टेस्ट से किया जा सकता है, राइट? तो यहाँ पे क्वालिटेटिव टेस्ट जो हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वालिटेटिव टेस्ट हैं वो हमें देखने हैं। तो इसमें कुछ क्वालिटेटिव जो टेस्ट हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। मान लो कोई एक अननाउन सैंपल है, अननाउन सैंपल जो है हमें नहीं पता कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, और अगर है भी तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, राइट? तो कोई अननाउन सैंपल है। इस अननाउन सैंपल में सबसे पहले तो हमें यही पता करना है कि ये कार्बोहाइड्रेट है भी या नहीं। तो यहाँ पे मॉलिश टेस्ट जो है, अगर मॉलिश टेस्ट किया जाता है, मॉलिश टेस्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। तो अगर मॉलिश टेस्ट नेगेटिव है तो यहाँ पे कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और अगर मॉलिश टेस्ट की कुछ वहाँ पे पर्पल प्रोडक्ट आ रहा है उस कंपाउंड एक्स से रिएक्ट कराने के बाद, तो वो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर्टी रखता है, राइट? अब ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, पॉलीसेकेराइड हो सकता है। तो क्या है, तो आयोडीन केआई टेस्ट, आयोडीन और केआई टेस्ट अगर हम करें, और अगर ये टेस्ट ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स शो कर रहा है, तो यहाँ पे ये स्टार्च की प्रेजेंस को रिफ्लेक्ट करता है। अगर ये आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड टेस्ट जो है कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट को रिफ्लेक्ट करता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें भी दो तरीके, मोनोसैकेराइड हो सकती हैं, डाइसैकेराइड हो सकती हैं, राइट? तो अगर बारफोर टेस्ट हम करते हैं, और बारफोर टेस्ट का जो रेड प्रेसिपिटेशन है वो 2 से 3 मिनट के भीतर ही आपको मिल रहा है, तो रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड की प्रेजेंस को वो वहाँ पर कन्फर्म करता है। अगर रेड प्रेसिपिटेट 10 मिनट्स के बाद आ रहा है तो वो रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। इसके बाद रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड में वो कोई सी भी एल्डोज कीटो शुगर हो सकती है, तो सेलिवेनॉफ टेस्ट जो है वहाँ आपको एल्डोज और कीटो शुगर का पता चलता है। सेलिवेनॉफ टेस्ट में आपको ब्लू ग्रीन प्रोडक्ट एक आपको मिलेगा, और वो अगर ब्लू ग्रीन प्रोडक्ट आपको वहाँ मिल रहा है तो वो एल्डोज शुगर की प्रेजेंस को दिखाएगा, और अगर चेरी रेड प्रोडक्ट आपको मिल रहा है तो वो आपको कीटो शुगर की प्रेजेंस को वहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। अब एल्डोज शुगर में पेंटोज भी हो सकते हैं, हेक्सोज भी हो सकते हैं। अगर आपको वो कार्बन की संख्या कंफर्म करनी है तो बियाल टेस्ट हम वहाँ पे फॉलो करते हैं। एल्डोज हो चाहे कीटोज हो, उनमें कार्बन कितने हैं, अगर बियाल टेस्ट का कलर ब्लू या ग्रीन प्रोडक्ट आ रहा है तो पेंटोज शुगर होती है, और अगर मडी ब्राउन ग्रे प्रोडक्ट आ रहा है तो वो हेक्सो शुगर होती है, राइट? वैसे ही बारफोर टेस्ट जो है रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड में अगर कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी, और अगर रेड प्रोडक्ट आ रहा है तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगी। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा हमें इन टेस्ट की डिटेल्स में नहीं जाना है, आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टेस्ट याद रखने हैं वो एक तो मॉलिश टेस्ट, एक सेलिवेनॉफ टेस्ट, और एक है बारफोर टेस्ट। बारफोर टेस्ट जो है इसमें टाइम पीरियड मैटर करती है, तो ये तीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और
ये है आपका लार्ज बेयल टेस्ट, ये आपको ध्यान रखने हैं, राइट। तो ये क्वालिटेटिव जो एनालिसिस है, आप इसके हेल्प से किसी भी सैंपल एक्स को, आपको नहीं पता है उसके अंदर कौन सी कार्बोहाइड्रेट है और है भी कि नहीं है, वो आप कंफर्म कर सकते हो। क्वालिटेटिव टेस्ट और ये कार्बोहाइड्रेट का जो मेजर पार्ट था, ये हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से और CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से नीट में भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं मोनोसैकेराइड की जो कभी कभी क्वेश्चंस के रूप में हमारे सामने आ जाती हैं, तो थोड़ा सा शॉर्ट में हम उनको भी देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक केमिकल रिएक्शंस आती हैं वो है ओसाजोन फॉर्मेशन, राइट। तो पहले तो ये देखिए ओसाजोन क्या है, ओसाजोन फॉर्मेशन, और ये यहाँ से एक बहुत अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं और दो तीन बार यहाँ से क्वेश्चन जो है वो IIT JEE में पूछा गया है। देखिए ओसाजोन जो है, पहली बात तो ये कि जब मैं रिड्यूसिंग शुगर पढ़ा रहा था तो वहाँ भी मैंने ये बताया था कि ओसाजोन जो है वो रिड्यूसिंग शुगर ही बनाते हैं, बाकी शुगर इनको नहीं बनाते। तो जो रिड्यूसिंग शुगर है वो जब फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो फेनिल हाइड्रोजन की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनाते हैं, NH2NH, और ये है यहाँ पर फेनाइल ग्रुप। तो फिनाइल हाइड्रोजन के तीन मॉलिक्यूल एक शुगर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं, तो ये है फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन अब शुगर से रिएक्ट करेगा और ये इस तरीके से यहाँ पे दो जो मॉलिक्यूल हैं वो इसके साथ बाइंड हो जाते हैं और ओसाजोन बनाते हैं, प्लस यहाँ पे एक फाइनल हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो अमोनिया प्लस एनिलीन के रूप में यहाँ पे निकल जाता है। तो कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि ओसाजोन फॉर्मेशन में फिनाइल हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल एक ग्लूकोज से रिएक्ट करते हैं या एक शुगर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं, तीन। अब देखिए ये रिएक्शन होती कैसे, इसी रिएक्शन के होने में ही यहाँ पर क्वेश्चन छुपा हुआ है। मैं एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लेता हूँ, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की लीनियर स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, ठीक है। इस तरीके से ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, थर्ड पोजीशन पर जो है वो OH को मैं लेफ्ट में बनाऊंगा। यहाँ पे जो तीन मॉलिक्यूल आप फिनाइल हाइड्रोजन के ले रहे हो, NH2, NH, C6, H5, तो ये हो गया फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, ये ग्लूकोज डीफॉर्म है, अल्फॉर्म है, कैपिटल डीफॉर्म है। और ये फिनाइल हाइड्रोजन जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो जो ओसाजोन है इसमें फॉर्मेशन में हमेशा फर्स्ट नंबर कार्बन और सेकंड नंबर कार्बन ही भाग लेते हैं और फाइनली जो कंपाउंड बनेगा वो ये होगा। और बाकी का पार्ट ऐसा रहेगा, राइट। 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये फाइनली बना ओसाजोन। और इस ओसाजोन के फॉर्मेशन में यहाँ से एक अमोनिया निकलेगी और अमोनिया के साथ दूसरा जो मॉलिक्यूल निकलेगा वो निकलेगा एनिलीन, राइट। अब देखिए
यहाँ पे जो रिएक्शन में भाग लिया है वो फर्स्ट नंबर कार्बन एंड सेकंड नंबर कार्बन ने ही लिया है, राइट। तो जो ग्लूकोज है उसने दो मॉलिक्यूल तो ग्लूकोज के साथ फाइनल हाइड्रोजन के बाइंड कर गए, कंडेंस हो गए, और एक मॉलिक्यूल फाइनल हाइड्रोजन का ब्रेक डाउन हो गया अमोनिया और एनिलीन के रूप में। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई दो मॉलिक्यूल हैं जो फर्स्ट नंबर कार्बन या सेकंड नंबर कार्बन पे ही डिफरेंस शो कर रहे हैं, बाकी स्ट्रक्चर उनकी सेम है, तो उनसे बनने वाले ओसाजोन एक जैसे होंगे। जैसे अब इसको एग्जांपल को समझो, जैसे ग्लूकोज है और मैनोज है, तो ग्लूकोज और मैनोज में जो फर्क है वो सिर्फ C2 पोजीशन पे है। मैनोज में जो है सेकंड पोजीशन पे जो OH होता है वो राइट साइड में ना होके लेफ्ट साइड में होता है। अब ग्लूकोज और मैनोज के जो ओसाजोन बनाओगे तो वो दोनों सेम ओसाजोन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ इस ओसाजोन रिएक्शन में जो भाग लेते हैं वो फर्स्ट और सेकंड कार्बन होते हैं, और फर्स्ट और सेकंड कार्बन जो है भाग लेने के बाद फाइनल प्रोडक्ट में उनका ओरिएंटेशन सेम हो जाता है। इसीलिए अगर कोई कंपाउंड दो कंपाउंड हैं जिनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस पहले या दूसरे कार्बन पे ही है, बाकी पार्ट सेम हैं, तो उनसे बनने वाले ओसाजोन कैसे होंगे? सेम होंगे। और अगर कोई दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस पहले या दूसरे कार्बन पे नहीं है, उसके बाद के कार्बन पे हैं, जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज इसमें जो डिफरेंस है वो फोर्थ नंबर कार्बन के बेस पे है, और ओसाजोन फॉर्मेशन में फोर्थ नंबर कार्बन तो भाग नहीं ले रहा, इसीलिए यहाँ पे बनने वाले ओसाजोन जो हैं वो डिफरेंट ओसाजोन बनाएंगे, क्योंकि वो डिफरेंस पैदा करने वाला कार्बन रिएक्शन में भाग लिया ही नहीं है, तो प्रोडक्ट में भी वो डिफरेंस मेंटेन रहेगा, राइट। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को ऐसे याद रखिए, ये क्वेश्चन VE में कई बार पूछा गया है कि जो ग्लूकोज एंड मैनोज हैं तो ये सिमिलर सेम ओसाजोन बनाएंगे। ये कैसे ओसाजोन बनाते हैं? सेम ओसाजोन बनाते हैं। अब ये क्यों बनाते हैं? ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि ग्लूकोज और मैनोज में जो डिफरेंस है वो C2 पोजीशन का है, और ये C2 पोजीशन ओसाजोन फॉर्मेशन में क्या कर रही है? भाग ले रही है। भाग लेने के कारण इस कार्बन का ओरिएंटेशन डिस्टर्ब हो जाता है, जो अब प्रोडक्ट में डिफरेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ओसाजोन कैसे हो गए? सेम हो गए हैं। जबकि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, यहाँ पे जो बनने वाले ओसाजोन हैं वो सेम नहीं है, डिफरेंट ओसाजोन यहाँ बनते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट ओसाजोन क्यों बने हुए? जबकि ये जो है मॉलिकुलर वेट में और बाकी सारी चीज़ों में तो सेम है, तो वो इसलिए बने क्योंकि यहाँ जो है डिफरेंस है इन दोनों मॉलिकुल के बीच में वो फोर्थ नंबर कार्बन पे है, और फोर्थ नंबर कार्बन ओसाजोन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, और जब वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है तो वो डिफरेंस जो है वो प्रोडक्ट में भी आपको दिखेगा। तो ओसाजोन फॉर्मेशन में आपको ये याद रखना है कि पहला और दूसरा कार्बन ही भाग ले रहे हैं, और पहले और दूसरे कार्बन के बेस पे अगर कहीं डिफरेंस है तो सेम ओसाजोन, और अगर किसी दो मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस पहले या दूसरे कार्बन के बेस पे नहीं है, उनके अलावा बाकी किसी कार्बन पे है, तो वो डिफरेंट ओसाजोन बनाएंगे। इनको हमने एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझ लिया है। इसके अलावा जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं इनको अगर मैं हीट करूं तो मोनोसैकेराइड जो हैं इनको अगर मैं जैसे यहीं पे देख लें, अगर हीटिंग करें तो हीटिंग में ऐसा देखा गया है कि अगर आप ग्लूकोज को हीट करते हो, जैसे दूसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी हम यहाँ पढ़ रहे हैं हीटिंग, ग्लूकोज को अगर आप हाइड्रोजन आयोडाइड के बेस प्रेजेंस में हीट करते हो तो वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाती है। ग्लूकोज के अंदर अगर नंबर ऑफ कार्बन n है तो एल्केन के अंदर भी नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? n ही होंगे। ये रिएक्शन एक प्रूफ के रूप में भी काम आती है, ये रिएक्शन ये प्रूफ करती है कि जो ग्लूकोज है उसके अंदर 6 कार्बन है, क्योंकि जब ग्लूकोज को हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में गर्म किया गया तो यहाँ पे हमें जो कंपाउंड मिला था
वो नॉर्मल हेक्जेन मिला था, और उसके अंदर जब देखा कि भाई कार्बन कितने हैं, तो 6 कार्बन निकले, इसका मतलब ग्लूकोज के अंदर भी कितने कार्बन थे, 6 कार्बन थे। इसके अलावा तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन, आप देख सकते हो बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं। अब यहाँ पे टॉलेंट एजेंट है, पेलिंग सॉल्यूशन है, राइट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, ब्रोमीन वाटर है, तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ रिड्यूजिंग एंड नॉट रिड्यूजिंग में। तो यहाँ पर अगर मैं ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता हूँ तो ये ग्लूकोनिक एसिड बना देती है, राइट। अब ग्लूकोनिक एसिड कुछ नहीं है, ग्लूकोज का जो CHO ग्रुप था उसको COH में कन्वर्ट कर दो, बाकी सारी चीज़ें सेम है, राइट। इसके अलावा एसिटाइलेशन भी देखा गया है कि एसिटाइलेशन जो है वो भी एक रिएक्शन है, ये लास्ट रिएक्शन है यहाँ पे। एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में अगर हम ग्लूकोज को गर्म करें, ग्लूकोज की रिएक्शन हम किससे कराएं, एसिटिक एसिड से कराते हैं, तो ग्लूकोज जो होता है वो पेंटा एसिटेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, पेंटा एसिटेट ग्लूकोज। इसका मतलब कि जहाँ कहीं भी OH ग्रुप था वहाँ एसिटेट ग्रुप बाइंड कर जाता है एक ग्लूकोज के अंदर, क्योंकि 5 OH ग्रुप रहते हैं, इसीलिए उसके साथ कितने एसिटेट ग्रुप ऐड हो गए हैं, 5। इसीलिए जब भी कभी आप ग्लूकोज को एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो पेंटा एसिटेट ग्लूकोज बना देती है। यहाँ तक आते आते हमने कार्बोहाइड्रेट की जनरल स्ट्रक्चर से लेके, जनरल क्लासिफिकेशन से लेके, उसकी डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री देखी, डिफरेंट डिफरेंट हमने जो है पॉलीसेकेराइड ऑलिगोसेकेराइड को ब्रीफ में स्टडी किया, और कुछ लिमिटेड केमिकल प्रॉपर्टीज को भी हमने स्टडी किया। उम्मीद करता हूँ कार्बोहाइड्रेट के तीनों वीडियो लेक्चर्स को मिला के सफिशियंट इन्फॉर्मेशन हमारे सामने अब आ चुकी है कार्बोहाइड्रेट को लेके, कि कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री जो है वो किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में वेरी होती है। जिस तरह का कंटेंट हमने इन वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया है वो CSIR के किसी भी एग्जाम्स में, IIT JAM में, IIT JEE में, नीट में आपको बहुत हेल्प करेगा। उम्मीद करता हूँ कार्बोहाइड्रेट को लेके आपके जो भी डाउट्स होंगे वो यहाँ से आपके सॉल्व हो गए होंगे।